हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि आप पेड़ी गन्ने की भरपूर उपज कैसे लें। तो इसके लिए ज़रूरी है, आप अगर पहली डोज देते हैं उर्वरक की तो आप उसमें कैसा संतुलन रखते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी को लेकर आपसे हम चर्चा करेंगे और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो किसान भाइयों आप देख रहे हैं, हमारा 1.5 एकड़ का गन्ने का प्लॉट है और इसमें जो हम अप्लाई करेंगे, इसमें हम 1 बोरी यूरिया तथा 1 बोरी NPK और इसमें 3 लीटर ह्यूमिक एसिड डालेंगे जो मल्टीप्लेक्स का आता है। और इसके सिवा इसमें सर्फिलाइजर आता है UPL कंपनी का। सर्फिलाइजर में जो आपका कार्बेंडाजिम वह 12% तथा जो मनकोजेब है वह उसमें 63% वेटेबल पाउडर की फॉर्म में होता है। पौधों की जो जड़ें होती हैं उस पर जो फंगस जम जाता है, जब फंगस में जम जाएगा तो क्या करता है, जो प्लांट की जड़ें होती हैं वह न्यूट्रिएंट नहीं अवशोषित कर पाती, यानी जो उसके आसपास के क्षेत्र में जो पोषक तत्व होते हैं उसको वह नहीं ग्रहण कर पाता। इसके कारण जो उसकी ग्रोथ है वह अच्छे से नहीं हो पाती। तथा इसका एक और इसका एडवांटेज मिलता है कि जब आप सर्फिलाइजर यूज करेंगे तो पौधे की जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वह काफ़ी अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि पौधा शुरुआत से ही हेल्थी रहता है और अच्छे जड़ों का विकास होने से उसका एक तो आपको उसका फायदा ये मिलेगा, उसका विकास अच्छा होगा, कल्ले अच्छे देगा और गन्ने की लंबाई और मोटाई भी अच्छी बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर उस पर फंगस जमा रहेगी तो यह आप देखते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा रेड रॉट की समस्या आ रही है। आजकल फार्मर काफ़ी शिकायत कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आखिरी में हम लोग जब रेड रॉट का अटैक हमारे खेत पे आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर पा ले पाते और उस पर हम लोग काफ़ी अपना पैसा भी काफ़ी व्यर्थ करते हैं, क्योंकि 90% चांस रहता है कि आपके खेत में एक बार रेड रॉट आ जाए तो वह आपके खेत से जाता नहीं है। तो ज़रूरी यही है कि आप प्लांट को शुरुआत से ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें और वह रोग को अच्छे से सहन कर सके और अच्छे से उसका निदान कर सके। तो इसके सिवा हम इसमें हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं। ह्यूमिक एसिड डालने का फायदा यह है कि यह भी जो हमारी रूट्स हैं यानी जो जड़ें हैं उसको यह अच्छे से उसकी लेंथ अच्छे से बढ़ाता है और जो पौधे में जो उसका अवशोषण क्षमता है न्यूट्रिएंट की वो भी इंक्रीज करता है। ह्यूमिक एसिड डालने का भी एक अच्छा तरीका यह है कि आप उसको अच्छे से पहले बालू में मिला लें। बालू में मिलाने के पश्चात आप उसको जो आपने NPK तथा यूरिया मिलाई है उसमें आप अच्छे से मिला दें तो यह एक अच्छा से उसमें मिल जाता है। वरना क्या, अगर आप डायरेक्ट डालेंगे उस पर यूरिया और NPK पे तो यह बिल्कुल पानी बन जाती है यूरिया और आपके NPK। तो बेटर रहेगा कि आप उसमें बालू में अच्छे से मिला के फिर आप उसमें आप न्यूट्रिएंट में मिलाएं। और इसके सिवा हम लोग जो NPK तो यूरिया साधारणतः सभी किसान डालते ही हैं, तो आप NPK और यूरिया पे ही फोकस ना रख के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उस पे भी आप अच्छे से तवज्जो दें, तभी आप जो एक तो आपका फ़ायदा मिलेगा, आपका कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और इसके सिवा आपका जो पेड़ी है वह काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा रोगों से मुक्त रहेगी और रोगों को झेलने में भी सक्षम रहेगी। तो इस ये अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं किसान भाइयों तो आपकी जो उपज है यकीनन वृद्धि करेगी। तो क्योंकि जो अगर आपके जो पेड़ हैं गन्ना है उसके अगर जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा तब वह जो न्यूट्रिएंट का अवशोषण है वह भी बहुत ही अच्छे से करेगी। अगर आप जड़ें का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, उस पर फंगस जमा रहेगी तो आप कुछ भी डालें खेत में तो वह अवशोषित नहीं कर पाएंगे, आप उस ज़मीन में पड़े का पड़ा ही रह जाएगा। और इसमें एक जुड़ी किसान भाइयों बात और है कि आप निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जब निराई गुड़ाई अच्छे से करते हैं तो भूमि में वायु संचार अच्छे से होता है। जब वायु संचार अच्छे से होता है तो जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वह अच्छे से क्रिया करते हैं और जितने भी हमारे पोषक तत्व हों उनको घुलनशील मात्रा में पौधों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जरूरी है कि आप निराई गुड़ाई अच्छे से करें। उसका एक फ़ायदा यह भी है कि आप उसमें जो घास वगैरह है वो भी अच्छे से मर जाती है और पौधा आपका ज़्यादा कल्ले देता है, क्योंकि जो नीचे से ज़मीन काफ़ी भुरभुरी रहती है और कल्ले निकलने में उसको दिक्कत नहीं होती। अंततः आप अगर निराई गुड़ाई पे इससे ध्यान नहीं देंगे और अकेला आप न्यूट्रिएंट पे ही जाएंगे तो भी उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों कैसी लगी हमारी यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना किसान भाइयों मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।